हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे सितंबर सितंबर माह के बेस्ट 200 क्वेश्चंस का पार्ट टू, यानी 16 से 30 सितंबर के बेस्ट 100 क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी जो साल की सबसे बड़ी सेल है दिवाली सेल, वो स्टार्ट हो रही है 17 से और चलेगी 31 अक्टूबर तक, यानी 2 हफ्ते चलेगी। इस पर पेनड्राइव, टैबलेट और एंड्रॉयड तीनों कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। और इसका लाभ लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें studyiq.com, या फिर आप ये नंबर भी डायल कर सकते हैं 9580048004। वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं 16 से 30 सितंबर तक इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से आपको याद रखने हैं। इनमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको सर्कल कर दूंगा। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ये था 18 सितंबर को। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को। और डॉक्टर्स डे कब होता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को होता है डॉक्टर्स डे, डॉक्टर बीसी रॉय का बर्थडे, उसको हम मनाते हैं डॉक्टर्स डे के रूप में। पेशेंट सेफ्टी डे का जो थीम था इस बार, वो था पेशेंट सेफ्टी ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी, और स्लोगन था स्पीक अप फॉर पेशेंट सेफ्टी। वर्ल्ड अल्जाइमर डे, अल्जाइमर एक दिमागी रोग है जिसमें याददाश्त भी कम हो जाती है, इसके लिए 21 सितंबर को था वर्ल्ड अल्जाइमर डे, और इसका थीम था रेजिंग अवेयरनेस एंड चैलेंजिंग स्टिग्मा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 21 सितंबर को था और इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, इसका थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर, इसका थीम था पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। ओजोन, वर्ल्ड ओजोन डे, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये था 16 सितंबर को, ये भी काफी पूछा जाता है। और ओजोन है स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल बोलते हैं हिंदी में, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन हुआ था विभिन्न देशों के द्वारा। इसका थीम था 32 ईयर्स एंड हीलिंग। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये 23 सितंबर को था, इसका थीम था साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल, और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर और वर्ल्ड हार्ट डे सुपर इंपॉर्टेंट 29 सितंबर, इसका थीम था माय हार्ट योर हार्ट, वर्ल्ड हार्ट डे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई, एक बार राउंड अप कर लेते हैं। ओबिचुअरी यानी श्रद्धांजलि, मलयाली राइटर, मलयाली लेखक शिवरमन चेरियानाथ केरल के थे, इनकी डेथ हो गई। फिल्म एडिटर संजीव कुमार दत्ता, जिन्होंने कई सारी फिल्म एडिट करी थी जैसे इकबाल, एक हसीना थी, मर्दानी इत्यादि। रॉबर्ट गैरिसन, ये एक्टर थे, इनका जन्म हुआ था पोलैंड में, रॉबर्ट गैरिसन। मशहूर अमेरिका के गायक, सिंगर और सॉन्ग राइटर एडी मनी, इनकी भी डेथ हो गई। रामसे ब्रदर्स आपने सुना होगा जो हॉरर फिल्में बनाते थे, तो इनमें जो रामसे बंधु में एक श्याम रामसे का निधन हो गया, फिल्म डायरेक्टर। जैक चिराक, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैक चिराक। एक टूनिशिया के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ भी हो गई, वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे मैं उनका नाम बताऊंगा आपको। 4 बार एमी अवार्ड जीत चुके टेलीविजन प्रोड्यूसर जे माइकल मेंडल, इनका भी निधन हो गया। सो ये याद रखना है, टूनिशिया के एक्स प्रेसिडेंट जीन एल अबेडीन बेन अली, इनकी डेथ भी हो गई, बहुत लंबे समय तक टूनिशिया के प्रेसिडेंट रहे ये। एस के पद्मा देवी, ये पहले कन्नड़ जो टॉकी फिल्म आई थी उसमें इन्होंने काम किया था, एक्टर थे कन्नड़ फिल्मों के। और एक बहुत बड़े पत्रकार भगत राम वत्स, जो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हमेशा चलते थे, उनको कवर करते थे, तो भगत राम वत्स का भी निधन हो गया। फुटबॉल के खिलाड़ी फर्नांडो रिक्सन, ये नेदरलैंड के थे, इनकी भी डेथ हो गई। माधव आप्टे, ये क्रिकेटर थे, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि माधव आप्टे का निधन हो गया, इनका संबंध कौन से खेल से था, तो आंसर है क्रिकेट। और पुलित्जर प्राइज जीत चुके हुए पत्रकार रॉबर्ट बॉयड का निधन भी हो गया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किताबें। सबसे पहली किताब बीइंग गांधी, बीइंग गांधी को लिखा है पारो आनंद ने। प्रधानमंत्री मोदी के जो 5 साल का शासन है उसके ऊपर किताब टर्बुलेंस एंड ट्रायंफ द मोदी ईयर्स, इसको लिखा है 2 लोगों ने, राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के जीवन पर यह किताब है द कजन्स ठाकरे,
उद्धव राज एंड द शेडो ऑफ देयर सेनाज, इसको लिखा है धवल कुलकर्णी ने। फ्रॉम लीचिज टू स्लग ग्लू, फ्रॉम लीचिज टू स्लग ग्लू, ये हमारे जो परंपरागत और मॉडर्न आधुनिक मेडिसिन है उसके ऊपर किताब है, इसको लिखा है रूपा पाई ने। गर्ल पावर, इसमें जो एक्सेप्शनल वुमेन अचीवर हैं उनकी कहानियां हैं, इसको लिखा है नेहा हीरा नंदानी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रीसेट, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, इसको लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी, रीसेट। सिद्धार्थ संघवी ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है लॉस। अब आते हैं हम एमसीक्यू फॉर्मेट्स के ऊपर। 15 सितंबर को हम नेशनल इंजीनियर डे मनाते हैं क्योंकि ये बर्थडे होता है एम विश्वेश्वरैया का। ये भी पूछते हैं कि इंजीनियर डे किसका बर्थडे होता है, एम विश्वेश्वरैया। तो ये भारत में ही नहीं, ये दो देश और हैं जहां पे नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया गया। ये दो देश कौन से हैं? ये दो देश हैं, एक तो श्रीलंका और एक तंजानिया। सो आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका और तंजानिया। तंजानिया देश फेमस है माउंट किलिमंजारो के लिए, जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक तंजानिया में। भारत की पहली कंपनी जिसने भारत की जो मैरीटाइम सेक्टर है उसे ब्रॉडबैंड सर्विस देना शुरू करा है, ये कौन सी है? यानी भारत के समुद्री विभाग को, मैरीटाइम सेक्टर को ब्रॉडबैंड सर्विस देना शुरू करा है नेल्को ने। और नेल्को कंपनी जो है ये टाटा की कंपनी है, ये भी याद रखिए। कई बार हो सकता है ऑप्शन में नेल्को ना हो, टाटा हो। और हमारे कम्युनिकेशन मंत्री कौन है? ना सिर्फ कम्युनिकेशन बल्कि आईटी, कानून मंत्री, लॉ, यू नो आईटी, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे इनके जो मंत्री हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी अभी महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू, एक बस्ट यानी कि बुत, उसका उद्घाटन करा। ये ब्रॉन्ज से बना है यानी कांस्य से बना है। तो ये स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया विलेनुएवे ने। विलेनुएवे, यहाँ पे गांधी जी 1931 में गए थे, तो ये शहर इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ सकते हैं कई बार, शहर ना पूछ के देश, तो आंसर है स्विट्जरलैंड। पिछले साल आपको याद होगा नवंबर 2018 में सिडनी के अंदर भी महात्मा गांधी जी का एक बुत, उसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और ये वाला जो साल है 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है। कौन से राज्य की सरकार ने यह डिसाइड करा है कि जो मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री हैं वो जो भी उनका इनकम टैक्स है वो खुद भरेंगे, सरकार नहीं भरेगी? अब तक सरकार जो है वो इनकम टैक्स भरती थी अपने मंत्रियों का, लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने ये कानून हटा लिया है। जो गवर्नमेंट है वो 1000 पीएचडी की डिग्रियां हमारे आईआईटीज के अंदर ऑफर कर रही है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को? 1000 पीएचडी की सीट अवेलेबल होंगी आईआईटीज में आसियान देशों के लिए। इनका जो सचिवालय है वो जकार्ता में है, वैसे जकार्ता अब इंडोनेशिया की राजधानी नहीं रही, अब हो गई है बोर्नियो में, ईस्ट कालीमंतन। और आसियान के अंदर 10 कंट्रीज हैं। हमारे पर्यावरण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अभी अभी जलदूत गाड़ियों का उद्घाटन किया, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो जलदूत जो गाड़ियां होती हैं ये कौन से शहर में उनको झंडा दिखाया गया? उनको दिखाया गया पुणे से, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुणे से उन्हें झंडे दिखाया गया। और ये जलदूत गाड़ियां क्या हैं? तो महाराष्ट्र के कोने कोने में जाएंगी और वहां पे पानी बचाओ का संदेश लेकर जाएंगी। अभी अभी एक जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल है, तैरता हुआ स्कूल, इसको मिला आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड। तो ये कौन से देश को मिला? ये मिला बांग्लादेश को। और जो व्यक्ति हैं जिन्होंने डिजाइन करा है उनका नाम है सैफुल हक। ये बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नहीं मिला, ये एक तैरते हुए स्कूल को मिला है जिसका नाम है, जिन व्यक्ति का नाम है सैफुल हक, इन्होंने बनाया है ये। और पुरस्कार का नाम है आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड। कौन सा कंट्री है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 79th मेंबर बना है? 79th मेंबर बना है अभी अभी, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स। और आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। हमारे कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने उद्घाटन किया, एक्चुअली आधारशिला रखी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल बन रहा है कहां पे? याद रखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल तीन जगह पे बन रहा है, एक तो है मुंबई, एक है अहमदाबाद और एक है कानपुर। तो तीन जगह बन रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, अभी अभी आधारशिला रखी गई है इसकी मुंबई में। दुनिया की पहली मलेरिया की दवाई ये कौन से देश में लॉन्च की गई? ये कीनिया में लॉन्च की गई।
कीनिया की राजधानी है नायरोबी और कीनिया में एक मसाई मारा नेशनल पार्क भी है जो एग्जाम में काफी आता है, मसाई मारा नेशनल पार्क। और केन्या के अलावा ये अभी अभी घाना और मलावी में भी लॉन्च की गई है, ये भी आपको याद रखना है, घाना और मलावी। यूनेस्को ने डिसाइड करा है कि वो एक कविताओं का संग्रह कौन से सिख गुरु का उसको लॉन्च कर रहे हैं, उसको पब्लिश कर रहे हैं ट्रांसलेट करके। ये थे पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी, और टोटल जो है 11 सिख गुरु हैं। 11वें सिख गुरु हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है सिखिज्म में, तो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी। इनकी लिखी हुई कविताओं का संग्रह लॉन्च करेगी यूनेस्को, और 550वीं बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक जी की, ये भी याद रखिए इस साल 2019 में 550th। कौन सा कंट्री है जिसने CPJ कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट वर्स्ट कंट्रीज फॉर प्रेस सेंसरशिप को टॉप किया है, यानी पत्रकारिता के लिए सबसे बुरा देश कौन सा है? ये है एरिट्रिया, और दूसरा सबसे बुरा है नॉर्थ कोरिया। आपको टॉप थ्री याद रखने हैं। एरिट्रिया सबसे खराब देश है पत्रकारिता के लिए क्योंकि वहां पे सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, यानी सरकार जो है वो पत्रकारिता में इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है। नॉर्थ कोरिया दूसरा, और तीसरे नंबर पे है तुर्कमेनिस्तान। गार्डियन के द्वारा 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में एक भारतीय फिल्म है, वो कौन सी है? ये फिल्म अनुराग कश्यप ने बनाई थी, अनुराग कश्यप इसके निर्देशक हैं। ये है गैंग्स ऑफ वासीपुर, गैंग्स ऑफ वासीपुर। और नंबर वन पे कौन सी है, यानी 21वीं सदी की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है, क्या आप ये बता सकते हैं? इस फिल्म का नाम है देयर विल बी ब्लड, देयर विल बी ब्लड, ये रही नंबर वन पे। और गैंग्स ऑफ वासीपुर 59वें नंबर पे रही, यानी 59th नंबर पे रही। कौन सा कंट्री है जिसने बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप एक तरफा मुकाबला था, इसको जीता स्पेन ने, और स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया। आपको बता दूं ये चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था, और वर्ल्ड कप जो होता है बास्केटबॉल का ये 4 साल में एक बार होता है। अगला जो होगा वो 3 देशों में होगा 2023 में, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस, तीनों मिलकर मेजबानी करेंगे बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इवेंट हुआ था हाउडी मोदी, ये अमरीका के कौन से शहर में हुआ? ये हुआ ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन। पोलैंड देश जो है उनको समर्पित द्वितीय विश्व युद्ध का एक स्मारक, एक स्तंभ बनाया गया अभी अभी भारत के कौन से शहर में? पोलिश वर्ल्ड वॉर टू मेमोरियल पिलर, ये बनाया अभी अभी कोल्हापुर में, कोल्हापुर है महाराष्ट्र में। कोल्हापुर में ही क्यों बनाए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो जान बचा के पोलैंड से भाग के आए थे, तो कोल्हापुर के जो राजा थे उन्होंने उनको शरण दी थी। तो कोल्हापुर और जामनगर, ये दो जगह पे पोलैंड के लोग जो हैं उन्हें शरण मिली थी भारत के अंदर। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है नीना गुप्ता को। इनकी 2 फिल्में आई बहुत अच्छी, एक तो थी बधाई हो और दूसरी थी द लास्ट कलर। नीर महल जल उत्सव ये कहां पे मनाया गया? ये मनाया गया रुद्र सागर झील में, और रुद्र सागर झील जो है उसके बीचों बीच है नीर महल, तो ये है त्रिपुरा में, तो आंसर है त्रिपुरा। दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत संयंत्र ये कहां पे बना है? ये बना है पश्चिम कामेंग जिले में, वेस्ट कामेंग, और ये है अरुणाचल प्रदेश में, यहां पे बना है। अगर पूछे कौन सी नदी के ऊपर बना है तो नदी का नाम है फुडुंगटो, PHUDUNGTO, फुडुंगटो। इसके अलावा खुर्जा थर्मल पावर प्लांट बना है अभी अभी बुलंदशहर यूपी में, और बक्सर थर्मल पावर प्लांट बना है बक्सर बिहार में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय रेंट डिंक अवार्ड किसने जीता है? ये बहुत ही बहादुर पत्रकार हैं, ये मेघालय की हैं, ये भी याद रखिए, और इनका नाम है एग्नेस खारशिंग। इनकी बहादुरी क्या थी? इनकी बहादुरी ये थी कि जो कोल माफिया है यानी जो कोयले का अवैध व्यापार करते हैं उनके खिलाफ इन्होंने बिना डरे हुए पत्रकारिता करी, तो इनको ये पुरस्कार मिला है रेंट डिंक अवार्ड। सिटमैक्स युद्ध अभ्यास ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी 3 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, इंडिया, सिंगापुर और तीसरा कौन सा था, और कहां पे हुआ ये भी बहुत पूछते हैं, तो ये हुआ अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, और अंडमान निकोबार का जो एयरपोर्ट है उसे बोलते हैं वीर सावरकर एयरपोर्ट। तीसरा कंट्री था थाईलैंड, थाईलैंड। सिंगापुर के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसको बोलते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स, और थाईलैंड के साथ करते हैं मैत्री, पर तीनों
के साथ मिलके हमने किया वो है सिटमैक्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री यानी भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है, उन्होंने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत एक योजना शुरू करी है, ठीक है। ये एक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस योजना है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है निर्विक। निर्विक क्यों? क्योंकि निर्विक की फुल फॉर्म रखी है इन्होंने, निर्यात ऋण विकास योजना, निर्यात ऋण विकास योजना, तो शॉर्ट में निर्विक। डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड किसे मिला है? एक तो है एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, जो मिला था के सिवन को, इसरो के चेयरमैन, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड अलग है और डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड अलग है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये स्मृति वाला जो अवार्ड है, ये मिला है शेख हसीना को, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। भारत ने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू करा है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी उत्तराखंड में, जहां पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो सिर्फ भारत के ही नहीं, कौन से देश के सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी यहां पर? ये देश है मालदीव और बांग्लादेश। तो मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट भी ट्रेनिंग लेंगे भारत के मसूरी में। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, जो भी नागरिक हैं इस राज्य के, उनके कष्टों के निवारण के लिए यानी पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए, ये एक नंबर 1100 लॉन्च करा है। कौन से राज्य ने? ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश। भारत की सरकार ने अभी अभी सिम्स को लॉन्च करा है। ये सिम्स क्या है? सिम्स है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन सी, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। हमारे स्टील मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तेल गैस और स्टील मंत्री, तीनों हैं धर्मेंद्र प्रधान। भारत ने एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र लॉन्च करी। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर है इसकी स्ट्राइक रेंज अस्त्र। और इसको सुखोई 30 जेट से लॉन्च किया गया था, यह भी आप याद रख सकते हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स ने किसको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया है? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत की पहली महिला मिलिट्री डिप्लोमेट कौन है, जो एक इंडियन मिशन में पोस्ट होने वाली पहली महिला बनी है? इनका नाम है अंजलि सिंह, अंजलि सिंह। और ये MiG-29 लड़ाकू विमान उड़ाने में भी माहिर है, विंग कमांडर अंजलि सिंह। कौन सा कंट्री है जहां पे दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा जो टावर है, जिसका नाम है लोटस टावर, वो इनॉग्रेट हुआ? इसकी हाइट है 350 मीटर और 17 मंजिला है ये। इसमें 80% इन्वेस्टमेंट चाइना ने करा है, ये बना है श्रीलंका में। सो आंसर है श्रीलंका। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो लीडिंग कंट्री रहा, यानी सबसे ज्यादा जो दुनिया में लोग हैं वो कौन से कंट्री के फैले हुए हैं? तो आंसर है इंडिया। तो इसको बोलते हैं डायस्पोरा। तो कितने इंडियंस हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं? इनकी संख्या है 1.75 करोड़, यानी 17.5 मिलियन। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम पलटकर क्या कर दिया गया है? जो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है, इसमें कई सारे जिले आते हैं, जैसे कलबुर्गी, बेल्लारी, रायचूर इत्यादि, इसका नाम हो गया है अब कल्याण कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक। कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो भारत की ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर्स में? यह फिल्म एक किसान की कहानी है, उत्तराखंड के किसान की। इस किसान का नाम पूछ सकते हैं आपसे, किसान का नाम है विद्यादत्त शर्मा। और इसके डायरेक्टर भी पूछेंगे, डायरेक्टर का नाम क्या है? डायरेक्टर का नाम है निर्मल चंदर डंडरियाल, निर्मल चंदर डंडरियाल। किसान है विद्यादत्त शर्मा और फिल्म का नाम है, डॉक्यूमेंट्री का नाम है मोतीबाग। आंसर है मोतीबाग। अमेरिका की वो स्विमर कौन है जिन्होंने 54 घंटे में 4 बार इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इनका नाम है सारा थॉमस, सारा थॉमस, और ये अमेरिका की स्विमर है। कौन सा स्टेट है जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स एंड एचआईवी एड्स को होस्ट किया, जिसने? ये हुई थी इम्फाल में, मणिपुर। इंडियन एयरफोर्स ने ये स्पाइस 2000 नाम के जो बॉम्ब है, ये कौन से कंट्री से खरीदे हैं? ये इसराइल ने भारत को दिए हैं। सो आंसर है इसराइल। टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाला पहला इंडियन रेसलर कौन रहा? ये है विनेश फोगाट, हरियाणा से हैं। ये पहली रेसलर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक्स का जो मैस्कॉट है वो है मिराई टोवा। भारत का पहला नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हब कहां पे बना है? ये इनॉग्रेट किया गया कोलकाता में।
साउथ एशिया का पहला एनवायरमेंटल स्कूल ये भारत के कौन से राज्य में बना है? ये बना है कर्नाटक के कुर्ग में, कुर्ग। कौन सा एनिमल है जो मैस्कॉट होगा 2022 ओलंपिक विंटर गेम्स का? यह है पांडा। यहां पे आप देख सकते हैं पांडा, इसका नाम रखा गया है बिंग वैन वैन, बिंग वैन वैन। और इसके साथ एक चाइनीज बच्चा है जिसका नाम है शुए रोन रोन। तो बिंग वैन वैन और शुए रोन रोन बने हैं मैस्कॉट। जो ये है शुए रोन रोन, ये बना है पैरा खेलों के लिए, और जो बिंग वैन वैन है ये बना है नॉर्मल जो खेल होते हैं उनके लिए। ये विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है, तो विंटर पैरा ओलंपिक्स के लिए है शुए रोन रोन और नॉर्मल के लिए है बिंग वैन वैन। गृह मंत्रालय जो है होम मिनिस्ट्री, उन्होंने भारत की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी लॉन्च करी है कहां पे? ये बनी है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में ही यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का सबमिट भी हुआ था, कॉप 14। बॉडी शॉप जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, ब्यूटी ब्रांड है, इन्होंने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनका नाम है श्रद्धा कपूर। गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब खोला है कहां पे? ये इन्होंने बेंगलुरु में खोला है, कर्नाटक में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे बनाया है? पहले थे जॉन बोल्टन, अब हैं रॉबर्ट ओ ब्रायन। रॉबर्ट ओ ब्रायन बने हैं नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अमरीका ने किसे एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड दिया है एजुकेशन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए? ये सुपर 30 के फाउंडर हैं, इनका नाम है आनंद कुमार। भारत के नए एयर चीफ कौन बने हैं? पहले थे बीएस धनोआ, अब बने हैं आरकेएस भदौरिया, आरकेएस भदौरिया। जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है हेवल, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है विक्की कौशल को, मशहूर एक्टर विक्की कौशल। महाराष्ट्र की जो सरकार है, उन्होंने स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है, कहां पे बनेगी? स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनेगी वारधा में। वारधा में ही महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम भी है। आईफा अवार्ड जो हुए थे, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड जिन्हें बोलते हैं आईफा, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट। तो आपको बस चार अवार्ड याद रखने हैं, बेस्ट फिल्म है राजी, बेस्ट फीमेल एक्टर है यानी एक्ट्रेस है आलिया भट्ट राजी के लिए, बेस्ट मेल एक्टर है रणवीर सिंह पद्मावत के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर है श्रीराम राघवन अंधाधुन के लिए। कौन सा स्टेट है जो 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में ऑब्जर्व करेगा? यह है तेलंगाना। और जो 2019-20 है, इसको पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यानी निर्माण प्रौद्योगिकी का साल, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। और इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया था मौजूदा ईयर को ईयर ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द किन, यानी कि जो जो लोग शहीद हुए उनके परिवारों के नाम। जो सरकार है उन्होंने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पे कितना इंटरेस्ट रेट अप्रूव करा है 2018-19 के लिए, यानी जो साल खत्म हुआ 31 मार्च 2019 को, ये है 8.65% और पिछले साल था 8.55%। तो पिछले साल से इस साल 10 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा है। फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से जो भी लघु छोटे और मध्यम उद्योग हैं, उनमें जो भी स्ट्रेस्ड यानी तनाव वाले जो एसेट्स हैं, उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कब तक? तो याद रखिए 31 मार्च 2020 तक उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च करी है नीट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये टेक्नोलॉजी की हेल्प लेगी एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए। इसका नाम रखा गया है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी ऑप्शन ए। एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, वर्किंग ग्रुप बनाया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे इशात हुसैन, जो SBI फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। भारत की सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया है, अब कितना होगा? जो हमारी खुद की कंपनियां हैं इंडिया की, उन पे कॉरपोरेट टैक्स कितना होगा? ये होगा 22%। भारत की तरफ से कौन सी मूवी ऑस्कर्स में इस बार जाएगी? ऑफिशियल एंट्री है हमारी गली बॉय। ये दो रैपर्स की कहानी है, एक का नाम है डिवाइन और एक है नेजी, और गली बॉय को बनाया है जोया अख्तर ने। कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहला ट्रांस आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया ट्रांसजेंडर्स के लिए? यह किया
केरला ने, केरला। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन सी कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट अभियान चला रही है? और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के अधीन है, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। ये कंपनी है गूगल। एनटीपीसी कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रही है, कहां पे? ये बनेगा गुजरात में। इसकी क्षमता होगी 5 गीगावाट। गुजरात अभी जो है वो है शक्ति स्थल, जो कि कर्नाटक में है, टुमाकुरु जिले में। इनमें से AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय बॉक्सर कौन बना? इनका नाम है अमित फंगाल। अमित फंगाल जो हैं, ये पहले भारतीय बॉक्सर बने जो AIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में गए। डेंगू से निपटने के लिए भारत के कौन से राज्य ने या यूनियन टेरिटरी ने चैंपियंस कैंपेन को लॉन्च किया है? चैंपियंस कैंपेन लॉन्च किया है अभी दिल्ली सरकार ने, क्योंकि दिल्ली में डेंगू समस्या ज्यादा है, और यूपी गवर्नमेंट ने जापानी बुखार से निपटने के लिए दस्तक कैंपेन स्टार्ट किया था। कौन सा डांस है लद्दाख में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया, सबसे बड़ा लद्दाखी डांस? ये 408 महिलाओं ने एक साथ किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस डांस को बोलते हैं शॉन डॉल डांस। कौन से राज्य का हाईकोर्ट है जिसने यह कहा है कि इंटरनेट आपका अब एक फंडामेंटल राइट है, एक्सेस टू इंटरनेट, यानी इंटरनेट सबके पास होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा है केरला हाईकोर्ट ने। महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट चाइना ओपन किसने जीता? चाइना ओपन जीता कैरोलिना मारिन ने, जो स्पेन की हैं और ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इन्होंने हराया ताई जूइंग को फाइनल में। और जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो जीती थी पीवी सिंधु ने, उन्होंने फाइनल में हराया था नोजोमी ओकुहारा को। इंडियन रेलवेज जो है उन्होंने एक पीईटी यानी पॉली इथाइलिन टेरेपथैलेट बॉटल क्रशिंग मशीन लगाई है, कौन सी ट्रेन में? ये प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करेगी। ये मशीन एक दिन में 3000 बॉटल्स को क्रश कर सकती है। ये मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में लगाई गई है। कौन सा स्टेट है जिसने न्यू जर्सी अमेरिका में उसके साथ सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट साइन करा है? ये करा है गुजरात ने, गुजरात और न्यू जर्सी सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट, और अहमदाबाद ने करा है सिस्टर सिटी एग्रीमेंट कोबे के साथ, KOBE कोबे जो जापान का शहर है, और नई दिल्ली ने करा है मॉस्को के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट। पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश अवार्ड किसे मिला? इन्हें रामोन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, इनका नाम है रवीश कुमार। मध्य प्रदेश की सरकार ने पर्यटन के लिए, मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ाने के लिए वहां का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? यह बनाया गया है गोविंदा को। अभी अभी कौन से भारत के राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 4 पाटा अवार्ड जीते हैं? तीन पाटा अवार्ड जीते हैं, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड। ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी नूर सुल्तान, जो कजाकिस्तान की कैपिटल है। ये जीते हैं केरला ने। केरला गॉड्स ऑन कंट्री इनकी है टैगलाइन। भारत की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बनाएंगे भारत के कौन से शहर में? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ये नई दिल्ली में बनेगा। कौन से दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास स्टार्ट होगा नया, जिसका नाम होगा टाइगर ट्रायंफ? इससे पहले एक एक्सरसाइज होती थी जिसका नाम ही था युद्ध अभ्यास, तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में स्टार्ट होगा। इंडियन नेवी ने जो P-17A फ्रिगेट सीरीज है उसमें जो 7वां शिप है उसका नाम क्या रखा है? याद रखिए, जो सबसे पहला शिप है उसका नाम है नीलगिरी और 7वें का नाम है महेंद्रगिरी, तो पहले और 7वें में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है ट्रेवल एंड टूर की जो दिवालिया हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है? ब्रिटेन की कंपनी है, इसका नाम है थॉमस कुक। क्या आप बता सकते हैं कमेंट्स में लिख के कि थॉमस कुक कौन थे, ये व्यक्ति कौन थे, इन्होंने क्या करके दिखाया था? भारत की सरकार ने जो अनुवांशिक रोग हैं उनको खत्म करने के लिए एक योजना शुरू करी है, इसका नाम क्या है? जेनेटिक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, इसका नाम है उम्मीद। उम्मीद इसकी फुल फॉर्म क्या है? उम्मीद की इसकी फुल फॉर्म है, इसकी काफी बड़ी फुल फॉर्म है, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, इन शॉर्ट उम्मीद। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर यानी साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी फीफा की तरफ से किसे मिला है? याद रखिए, यूएफए की तरफ से मिला था वर्जिल वैन डाइक को, और फीफा की तरफ से मिला है लियोनल मेसी को, तो फीफा और यूएफए में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2019 का क्लाइमेट एक्शन समिट कहां पे हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूयॉर्क में हुआ, और इसका थीम भी पूछेंगे।
इसका थीम था अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन. ठीक है, अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन, ये इसका थीम था. यहां पे ग्रेटा थनबर्ग ने बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच भी दी थी. ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की हैं और इनकी उम्र है सिर्फ 16 साल. दिल्ली की सरकार महिलाओं के लिए उन्होंने बस सेवा फ्री कर दी है, तो महिलाओं को कौन से कलर का टिकट दिया जाएगा? महिलाओं को मिलेगा स्पेशल पिंक टिकट. जो गृह मंत्री हैं हमारे, उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के लिए 3 सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं उनका उद्घाटन किया. इनमें से कौन सी नहीं है? ERSS डायल 112 है, ई बीट बुक है, ई साथी मोबाइल ऐप है, स्ट्राइक ऐप नहीं है. तो ऊपर के 3 है, फोर्थ वाला नहीं है. तो ये भी पूछ सकते हैं कि ई साथी ऐप कौन से पुलिस ने लॉन्च करा है, तो आंसर है चंडीगढ़ पुलिस. पहला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे ग्रीन प्लैटिनम रेटिंग मिली है IGBC के द्वारा, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? यह स्टेशन है सिकंदराबाद स्टेशन, तेलंगाना में है सिकंदराबाद जंक्शन. इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? यह अवार्ड मिला अमिताभ बच्चन को. अमिताभ बच्चन, यह स्पीच किसने दी UN क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुआ था न्यूयॉर्क में? हाउ डेयर यू, यू हैव स्टोलन माई ड्रीम्स माई चाइल्डहुड विद योर एम्प्टी वर्ड्स. आपने अपने खोखले शब्दों से मेरा जो बचपन है वो छीन लिया. हाउ डेयर यू, ये स्पीच दी ग्रेटा थनबर्ग ने. इनकी कंट्री याद रखिए स्वीडन. डीप सी फिशिंग असिस्टेंस के लिए एक नई स्कीम, यानी मछुआरों के लिए एक नई स्कीम शुरू करी है अभी कौन से राज्य के लिए, जिससे वो जो गहरा समुद्र है वहां पे मछली पालन कर सकें, मछली पकड़ सकें? ये तमिलनाडु के लिए लॉन्च की गई. तमिलनाडु, हमारे जो मंत्री हैं मछली पालन के, डेयरी के, एनिमल हस्बेंड्री के, वो हैं गिरिराज सिंह. इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय. भारत के कौन से राज्य ने एक स्कीम लॉन्च करी है अपोनार अपॉन घर स्कीम? अपोनार अपॉन घर स्कीम लॉन्च करी है असम सरकार ने. इसमें अगर कोई व्यक्ति घर खरीदना चाहता है तो उसे 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी. 25वां सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? जो नेशनल चैंपियन बना है महिलाओं में वो बना है मणिपुर. पहले भी मणिपुर ही था, इस साल मणिपुर ने फाइनल में हराया रेलवेज को. रेलवेज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी अभी कमीशन किया है कौन सा हमारा कोस्ट गार्ड का जहाज, इसे हमने काम लेना शुरू करा है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट चेन्नई में. इसका नाम रखा गया है वराहा. वराहा भगवान विष्णु का एक अवतार भी था वराहा. पहली अरुणाचल प्रदेश की महिला ऑफिसर कौन है जिन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है इंडियन आर्मी ने? इंडियन आर्मी के अंदर इनका नाम रखा गया है पोनुंग डोमिंग. इनका नाम है पोनुंग डोमिंग. शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे मिला है? रामानुजम जो है बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे. इनका जन्म हुआ था कुंभकोणम में. कुंभकोणम है तमिलनाडु में. और रामानुजम के ऊपर एक किताब भी याद रखिए, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी. ये फिल्म भी बनी थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी. ये पुरस्कार मिला है एडम हार्पर को. एडम हार्पर ये हैं यूके के गणितज्ञ. इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 5वां एडिशन कहां पे होगा? यह कोलकाता में होगा नवंबर में. सो आंसर है कोलकाता. कौन सी इंडियन गर्ल है जिसे चेंज मेकर अवार्ड मिला? जो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड हुए थे बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा, वहां पे चेंज मेकर अवार्ड. इन्होंने चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए बहुत काम किया है. इनका नाम है पायल जांगिड़ और ये राजस्थान की है. यहां पे आप इनको देख सकते हैं कैलाश सत्यार्थी के साथ. फिडे वर्ल्ड कप, ये चेस का वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का, वो किसने जीता? महिलाओं का वर्ल्ड कप जीता कोनेरू हम्पी ने और ये आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी. कौन सा IIT है जिन्होंने एक ऐसा टेस्ट बनाया है जिससे हीमोग्लोबिन 1 रुपए में आप उसको टेस्ट कर पाएंगे, सिर्फ 1 रुपए में? ये बनाया है IIT खड़गपुर ने. IIT खड़गपुर. नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अवार्ड भारत सरकार शुरू कर रही है, तो ये किसके नाम पे कर रही है? ये कर रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे. और ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो इनका बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को हर साल, जिसे हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं. क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये IMF की नई हेड बनी है, ये कौन से देश की है? IMF की पहले हेड थी क्रिस्टीन लागार्डे, अब बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो पहले वर्ल्ड बैंक की CEO थी, ये है बल्गेरिया की. और क्रिस्टीन लागार्डे अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ बन गई है.
वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये 26 सितंबर को मनाया गया, 26 सितंबर। इसका थीम भी पूछेंगे, इसका थीम है एम्पावरिंग वुमेन इन द मैरीटाइम कम्युनिटी, यानी जो समुद्री हमारा जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर मोनेको में है, IAAF, इसका प्रेसिडेंट दोबारा कौन बन गया है? पहले भी यही थे, दोबारा बने हैं, इनका नाम है सेबेस्टियन को। केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, इसका चेयरमैन किसे बनाया है? इसके चेयरमैन पहले थे विवेक देवरॉय, अब भी रहेंगे विवेक देवरॉय। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया चेयरमैन कौन होगा? COSC, पहले थे BS धनवा और अब वो रिटायर हो गए हैं क्योंकि, तो अब बनेंगे बिपिन रावत। इंडिया और कैरीकॉम के जो नेता हैं उनके बीच में जो सम्मिट है वो कहां पे हुई? सबसे पहली सम्मिट थी, ये जो कैरेबियन के देश हैं वो हैं कैरीकॉम में। तो इसमें कितने देश हैं? इसमें 15 मेंबर हैं और 5 हैं एसोसिएट मेंबर। ये 1973 में ग्रुप बना था कैरीकॉम कंट्रीज का, ये मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में। वीजा जो कंपनी है, वीजा पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीजा, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया PV सिंधु को। मालाबार युद्ध अभ्यास कहां पे होगा? मालाबार युद्ध अभ्यास 3 कंट्रीज के बीच में होता है, इंडिया, जापान और अमेरिका। इस बार ये हो रहा है ससेबो में, ससेबो है जापान में। महाराष्ट्र ने अपने विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनके लिए एम्बेसडर किसे बनाया है? सद्भावना राजदूत, गुडविल एम्बेसडर बनी है माधुरी दीक्षित। एथलेटिक्स फेडरेशन जो है IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इन्होंने वेटरन पिन देकर किसे सम्मानित किया है? ये है भारत की PT उषा, ये है केरल की, इन्हें पयोली एक्सप्रेस कहा जाता था। स्वीडन का अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज किसे मिला है? वैकल्पिक नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज नहीं है, ये अल्टरनेटिव नोबेल है। ये कई लोगों को मिला है, डावी, कोपेनावा, गुओ जिनेमई, ग्रेटा थनबर्ग और एक और हैं जिनका नाम है अमीनाटू हैदर। तो ये इन सब लोगों को मिला है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डावी कोपेनावा जो हैं ये इनकी आप कंट्री याद रख सकते हैं, ये ब्राजील के हैं, और गो जियानमई है चाइना की, और ग्रेटा थनबर्ग है स्वीडन की। डिजिटल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? नंबर 1 पे है अमेरिका, भारत पिछले साल था 48वें नंबर पे, इस साल है 44वें नंबर पे, 44। ये किताब किसने लिखी है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर? रीसेट को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। आयुष मंत्रालय ने एक कॉमिक बुक शुरू करी है जिससे भारतीय परंपरागत जो मेडिसिन सिस्टम है उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके बच्चों को, तो इस कॉमिक का नाम क्या है? इस कॉमिक में जो मुख्य पात्र होंगे उनका नाम है प्रोफेसर आयुष्मान। इंटरनेशनल एग कमीशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग, इसका चेयरमैन एक भारतीय को बनाया गया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुरेश चित्तूरी। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह भी पूछ सकते हैं इस बार इसका थीम क्या था, तो इसका थीम है टूरिज्म एंड जॉब्स, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, यानी टूरिज्म से हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं। 27 सितंबर और ये दिवस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन की कैपिटल में। कौन सा स्टेट है जिसने ये एक कैरेक्टर लॉन्च करा है जिनका नाम है टिक्की मौसी, कुपोषण को रोकने के लिए महिलाओं में और बच्चों में? तो टिक्की मौसी कैरेक्टर ओडिशा सरकार ने स्टार्ट किया है। भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास कैज इंड, ये कहां पे होगा? ये होगा पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ है उत्तराखंड में। कौन सा कंट्री है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप लॉन्च करा है जिसका नाम है कुनोटोरी 8 करा है जाक्सा ने, जाक्सा स्पेस एजेंसी है जापान की। अभी अभी ग्रीन बॉन्ड शुरू करे हैं FX फाइल्स के नाम से, ये कौन से बैंक ने करे? ये बैंक है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। कौन सा स्टेट है जिसे बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला टूरिज्म कैटेगरी में, यानी टूरिज्म में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका था? टूरिज्म के लिए बेस्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। और फिल्म के लिए पूछें, फिल्म शूटिंग वगैरह के लिए, तो सबसे ज्यादा फिल्म फ्रेंडली स्टेट है उत्तराखंड। और टूरिज्म में IT का यानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे अच्छा किया तेलंगाना ने, और एडवेंचर टूरिज्म में गोवा और मध्य प्रदेश थे बेस्ट स्टेट, लेकिन ओवरऑल था आंध्र प्रदेश। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बने हैं? उपाध्यक्ष
अध्यक्ष बने हैं आरकेएस भदौरिया और वाइस चीफ बने हैं एचएस अरोड़ा। जो भोपाल में मेट्रो चलेगी उसका नाम रखा गया है राजा भोज के नाम पे। तो राजा भोज जो है ये कौन से वंश के राजा थे? राजा भोज परमार वंश के राजा थे, परमार वंश। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे जो अभी हुआ है उसके हिसाब से भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है कस्टमर क्वालिटी सर्विस में, यानी जो पैसेंजर्स को सेवाएं देने के मामले में? यह है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत का पहला एयरपोर्ट था जो सौर ऊर्जा से चलता है, और यह है केरल में, कोचीन में, और इसको यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी मिला था। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड अभी अभी भारत की कौन सी कंपनी को मिला है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कैटेगरी में? यह कंपनी है इंफोसिस। मुंबई में एक फेमस बेकरी थी जिसका नाम था ब्रिटानिया एंड कंपनी, तो इसके ओनर कौन थे जिनकी डेथ हो गई? ये फ्रीडम फाइटर भी थे, इनका नाम था मिस्टर बोमन रशीद कोहिनूर। उदय एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई अभी अभी दूसरी, ये विशाखापट्टनम से कहां तक चलेगी? ये डबल डेकर ट्रेन है, ये चलेगी विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। और सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड टनल चेरलोपल्ली से रपूरू, वो भी आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम इनॉग्रेट करा कौन से शहर में? यह इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पाकिस्तान, टर्की और कौन सा देश मिलकर एक इंग्लिश लैंग्वेज का टीवी चैनल लॉन्च करेंगे? तो ये टीवी चैनल पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया शुरू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए कौन सा कैंपेन शुरू करा है? हमारा टारगेट है 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस भारत से खत्म करना। इसके लिए जो कैंपेन है इसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। कौन सा कंट्री है जिसने गुरु नानक देव जी की याद में, उनका 550वां बर्थ एनिवर्सरी है इस साल, उस उपलक्ष में कुछ स्मारक सिक्के लॉन्च करे हैं? 100 रुपए का, 1000 रुपए का और 2500 रुपए का सिक्का, तो ये नेपाली रुपया है, तो आंसर है नेपाल। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पे बहुत बड़ा हाथी बनाया गया है दशहरे के उपलक्ष में? यहां पे एक सेरेमनी होती है जिसको बोलते हैं हब्बा, हब्बा नाम की यात्रा निकलती है दशहरे के उपलक्ष में मैसूर में, इसलिए ये बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे बनाया गया है ये हाथी, यहां पे आप देख सकते हैं। P-17A फ्रिगेट जहाज, सबसे पहला जहाज, इसका नाम क्या रखा गया है? इसको लॉन्च करा राजनाथ सिंह ने मुंबई में, इस जहाज को बनाया है मजगांव डॉकयार्ड ने, तो इसका नाम रखा है नीलगिरी। पहले वाले का नाम है नीलगिरी और सातवें का नाम है महेंद्रगिरी, दूसरे का नाम है हिमगिरी। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इनका नया सेंटर कहां बना है? अभी अभी यह बना है मेदक में, और मेदक है तेलंगाना में। कौन सा कंट्री है जो भारत में 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा? 75 अरब डॉलर का करेगा यूएई और 100 अरब डॉलर का करेगा सऊदी अरब। पहले मध्य पूर्व यानी अरब व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए उनका नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं ये, इनका नाम है हजा अल मंसूरी और ये हैं यूएई के, संयुक्त अरब अमीरात के। सो ये था हमारा वीडियो बेस्ट सितंबर के जो क्वेश्चन है पार्ट टू का, डेली करंट अफेयर डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर द्वारा आपके पास आ ही रहे हैं, तो आई एम श्योर आप उनको एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको याद दिला दूं स्टडी आईक्यू की सबसे बड़ी सेल साल की होती है दिवाली सेल, और इसका लाभ आप लेना चाहते हैं तो 17 से 31 अक्टूबर तक ये चलेगी। कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी इसका फायदा लें, यानी 17 को ही, 18 को ही, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, इस वजह से काफ़ी लंबा जो फ़ोन है वो एंगेज रह सकता है। पेन ड्राइव कोर्स, टैबलेट कोर्स और एंड्रॉयड कोर्स तीनों के ऊपर ये सेल चलेगी। ये हमारी फ्लैगशिप सेल है, यानी साल की सबसे बड़ी सेल है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो studyiq.com विजिट करें, या फिर आप ये फोन नंबर डायल कर सकते हैं 9580048004। ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का इस्तेमाल आपको रिवीजन के रूप में करना है, तो देखते रहिए स्टडी आईक्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।